सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन भी स्टार्ट हो गया और आप सारे कैंडिडेट एडमिशन ले भी रहे होंगे। लेकिन इसमें यह भी एक इशू है कि जो भी स्टूडेंट्स का अभी तक नाम नहीं आया है वो चिंतित है कि क्या जो पटना यूनिवर्सिटी लिस्ट निकाली है उसके अकॉर्डिंग तो सारे सीट पर लिस्ट निकाल दी है, तो क्या उनको एडमिशन लेने के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कह सकते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। ऐसा ना कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट से ही सारा सीट क्या हो जाए, फुल हो जाए। ये सारे आपके मन में कई सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं, ये सारे आपके मन में कई सारे डाउट्स हैं। तो एंड आज की इस वीडियो से मैं आपको ये सारे डाउट्स को क्लियरेंस करूँगा कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट से ही सारा सीट फुल हो जाएगा। साथ में मैं आपको ये भी अपडेट दूंगा कि कितना एडमिशन चल रहा है, मतलब आप जान रहे हैं कि कल से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो आपका 9 को स्टार्ट हो चुका है और आज एडमिशन का दूसरा दिन है यानी 10, इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन 12 को और 13 को। और क्या कल कितना एडमिशन हुआ है, क्योंकि एडमिशन का जो कैलकुलेशन है वो रखना बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग इसी चीज़ को बहुत ही बारीकी तरीके से समझते हैं कि 9 जून को कितना एडमिशन होगा, 10 जून को कितना होगा, 12 को कितना होगा, 13 को कितना होगा, सब हम लोग जोड़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में भाई अगर मान लेते हैं कि 3600 के आसपास रेगुलर में आया था और 600 के आसपास वोकेशन में आया था, यानी 4200 सीटों पर एडमिशन होना था, तो पता चलेगा हम लोग को जब 9, 10, 11, 12 को जोड़ देंगे सबको तो पता चला कि एडमिशन बस 1300 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कट ऑफ वगैरह को डिसाइड करते हैं और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू, तो उनका तो हम लोग के लिए ये सबसे पहला चैलेंज होता है, ये सबसे पहला प्रायोरिटी है कि इनका एडमिशन किसी तरीके से होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के लिए क्या करता हूँ, मैं सारे डाटा को एनालिसिस करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कितना एडमिशन हुआ है, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में क्या करेंटली स्टेटस है, क्या एडमिशन का रिपोर्ट है और क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी बातों को लेकर के वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके और डेली ये जो एनालिसिस वाला वीडियो है ये आप डेली जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या पटना यूनिवर्सिटी में कैलकुलेशन है और इसी से आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा या एक और लिस्ट आएगा, स्पोर्ट होगा, जितना भी है वो आपको इसी से पता चल जाएगा। इसलिए आप ये सारे कंटेंट को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको 100% एडमिशन, जिसको मैं कह रहा हूँ 100% अगर आपको एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में किसी भी पेपर में लेना रहे तो आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि प्रीमियम सर्विसेज बहुत सारी चीज़ों को आज पिछले 4-5 सालों से सीट पर उतरी हुई है और उतर करके लगभग कह सकते हैं कई सारे स्टूडेंट्स का हर साल हम लोग कम से कम तो 1000+ स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के जरिए से सपोर्ट करते हैं, जिससे कि उनका मनपसंद कॉलेज, मनपसंद कोर्स में एडमिशन होता है। और मैं आज दिखाऊंगा भी कि जो भी स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए थे व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू, ऑलमोस्ट उनमें से बहुत का सिलेक्शन हो चुका है और सबका मैसेज आया थैंक यू सर व्हाट्सएप पर, कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया, तो वह मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी लास्ट में। तो आप भी व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से जुड़िएगा, जुड़ने के लिए क्या करना है, 9065179925 पे आपको मैसेज देना है। स्टार्ट करते हैं आज के इस अपडेट को, देखते हैं क्या कुछ अपडेट है पेपर का। तो सबसे पहली बात, हम लोग इस पेपर के कटिंग को मैं आपको दिखाता हूँ जिससे कि पता चलता है कि क्या मेरिट लिस्ट का स्टेटस था। और इसमें देख सकते हैं कि साइंस में जूलॉजी में 87.4% गया था, आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस में 94% कट ऑफ गया था और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ था और इसके अकॉर्डिंग कल से ही एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट है। लास्ट डेट कितना तक है, 13 जून तक है और इसमें बताया गया है कि क्या आपको करना है। और ये आप सीन भी देख सकते हैं, जो स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में विजिट किए हैं वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वो आपको दिखेगा। आगे समझते हैं, सो चलिए देखिएगा इस पेपर के कटिंग में और इसका मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन करके मैं पढ़ रहा हूँ और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक नामांकन में के लिए शुक्रवार से काउंसलिंग शुरू हो गई और प्रथम काउंसलिंग के पहले दिन मगध महिला में रेगुलर कोर्स में 32, देखिएगा समझिएगा, यही रिपोर्ट समझना होता है और इसी चीज़ को हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और इसी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ अपना हो गया रेगुलर कोर्स, दो चीज़ मैं लिख रहा हूँ दोनों को समझिएगा, ये अपना हो गया वोकेशनल कोर्स। और सबसे पहले कौन कॉलेज के बारे में बात किया, मगध महिला, तो मगध महिला में रेगुलर में हुआ 32 एडमिशन और सेल्फ फाइनेंस में हुआ 2 एडमिशन। इसके बाद आगे आते हैं पटना साइंस कॉलेज में, तो यहाँ रेगुलर में एडमिशन हुआ 28, सेल्फ फाइनेंस में यहाँ भी हुआ 2 एडमिशन। आगे बढ़ते हैं बीएन कॉलेज में, तो यहाँ रेगुलर में हुआ 25 एडमिशन, सेल्फ फाइनेंस में हुआ 3 नामांकन। पटना कॉलेज में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ रेगुलर में हुआ 26 एडमिशन और सेल्फ फाइनेंस में हुआ 2 नामांकन। और वाणिज्य के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये सब क्या है, रिपोर्ट है, ये सारा स्टेटस है। तो देख सकते हैं एडमिशन का रेट क्या है, थोड़ा सा कम है और वहीं वाणिज्य में क्या हुआ था, 10 हुआ था और सेल्फ फाइनेंस में 1 एडमिशन हुआ था। तो एडमिशन का रेट आप कल का देख सकते हैं, कल का एडमिशन जो अगर आप जोड़ते हैं तो तकरीबन
तो तकरीबन कहने का मतलब ये जो रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कल जो एडमिशन हुआ वो तकरीबन 100 प्लस एडमिशन हुआ है, मतलब 110-120 के आसपास एडमिशन हुआ है और बच्चे कितने हैं 4200 है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आज के मैं रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा, आज अपना कितना है 10 जून है और अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होगा तो चूंकि एडमिशन के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होगा तो अगर बहुत खूब एडमिशन होगा तो 600 से ज़्यादा एडमिशन हो नहीं पाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरे कॉलेज लेवल पर मिला करके। यहाँ एक एक बच्चों का डॉक्यूमेंट चेक होता है और इसको लेकर के थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है इस बार। तो इसलिए ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप कल के पेपर में आप जाने होंगे, कल के बारे में आपने जाना होगा कि यहाँ जो एडमिशन है, एडमिशन लेने के लिए बच्चे झोल झपाटे के साथ क्या कर लिए, सीट तो ले लिए, मतलब अपने मन से 100% भर दिए, अपने मन से 92% भर दिए। और यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ एडमिशन दिलाने या एडमिशन लेने के नाम पर इतना ठगी जैसा हो गया है कि बच्चे क्या कर ले रहे हैं कि डिजी लॉकर से CBSE का मार्कशीट निकाल लेते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आज के टाइम में चीज़ों को एडिट करके एक नया जो आपका रिजल्ट है उसको बनाने में ज़्यादा कोई खास टाइम लगता नहीं, तो बच्चे क्या कर दे रहे हैं, झूठ मूठ के कह दिया 92% है, सीट ले लिए। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि मैं वही मार्कशीट एक्सेप्ट करूंगा जिसमें क्या रहेगा, QR कोड रहेगा। तो अगर आप डिजी लॉकर से निकालते हैं तो भी आपका QR कोड रहता है और अगर आप बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट या फोटो कॉपी भी रखिएगा, बिहार बोर्ड वाला में सबको मिल चुका है, तो उसमें भी क्या रहता है, आपका QR कोड रहता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, झोल झपाटे को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कीम आया कि सारे बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मैं प्रॉपर सही तरीके से करूंगा और QR कोड को मैं खुद से स्कैन करूंगा। अगर किसी का QR कोड नहीं रहता है तो वहां का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो खुद एक्सपर्ट होते हैं आपसे और वो क्या करेंगे, आपका जो मार्क्स है वो डिजी लॉकर से मिलाएंगे और अगर मैच नहीं किया तो उसी टाइम आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। पता चल जाएगा कि आप झोल झपाटा से सीट लिए और वो आपके एडमिशन को रद्द कर देंगे। और इसको लेकर के भी पेपर में क्लियरली ये अपडेट आ जाया था और मैं बहुत ही जो कंटेंट है उसको मैं पढ़ा था और वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। सो देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट था पटना यूनिवर्सिटी का और मैं बता रहा हूँ ना सारी चीज़ों को मैं बहुत ही बारीकी तरीके से पकड़ता हूँ। और यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, फर्जीवाड़ा कर दाखिला लेना आसान नहीं। अब क्या है पूरा मैटर देखिए पढ़ते हैं और समझते हैं और आप भी इसको समझिएगा बहुत ही बखूबी तरीके से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने भी फर्जीवाड़ा करके सीट लिया है तो वहाँ जा करके बेइज्जती कराने से कोई फ़ायदा नहीं, आप जाइएगा नहीं। देखिए क्या लिखा गया है, PU में 4 वर्षीय स्नातक BA BSc BCOM कोर्स सहित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में फर्जीवाड़ा कर दाखिला लेना आसान नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी कॉलेजों को नामांकन लेते वक्त सभी बोर्डों के अंक प्रमाण पत्र को QR कोड से स्कैनिंग करके छात्रों की ओर प्रस्तुत किए गए अंकों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। मतलब जो आपके मार्कशीट पर QR कोड होता है वो उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने से पता चलेगा कि वास्तविक में आपका नंबर कितना है। अगर फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो वो आपके रोल कोड और रोल नंबर से खुद रिजल्ट को चेक करेंगे और देख लेंगे कि आपका नंबर कितना है। इसके अलावा डिजी लॉकर से अंक मिला करके ही नामांकन लेने का निर्देश दिया गया है, यानी वहां का जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा वो आपके नंबर को रोल कोड रोल नंबर से रिजल्ट निकालेगा, नंबर मिलाएगा, इसके बाद ही वो करेगा। और पहले दिन अलग अलग कॉलेजों को मिला करके कुल मिला करके 121 छात्रों छात्र छात्राओं का एडमिशन हुआ है, ये मैंने आपको बताया अभी। और इसमें कहाँ कितना हुआ ये डिटेल में बताया गया है। और देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि मेधा सूची में नहीं मिला पिछड़ा वर्ग महिलाओं का आरक्षण। एक आरक्षण होता था WBC और WBC का ज़्यादा बेनिफिट इस बार मिला नहीं। WBC आप देखे होंगे मेरिट लिस्ट में, वोमेन मतलब लड़की लोग, बैकवर्ड क्लासेस यानी जो बैकवर्ड क्लासेस की लड़की लोग है उसको भी आरक्षण मिलता था, तो इस बार जो आरक्षण है वो आपका कम मिला है। देख सकते हैं WBC का यहाँ पर दिया गया 3% आरक्षण दिया गया जो कि कम है। और साथ में आपको बता दें यहाँ पे कुछ बातें एक्स्ट्रा में बताई गई जिसे मैं देख सकते हैं। ये अपना एक एडमिशन प्रोसेस का व्यू है कि यहाँ पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लड़कियाँ लोग चेक करवा रही है, ये मगध महिला कॉलेज का सीन है, आप इसे देख सकते हैं। और देखिए बताया भी जा रहा है कि बोर्ड के QR कोड एवं डिजी लॉकर से अंक मिला करके ही होगा दाखिला और PU के पहले दिन 121 छात्रों ने कराया दाखिला। तो ये मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि आप फर्जीवाड़ा अगर किए हैं तो ऐसा काम कीजिएगा नहीं, तो आगे चल करके कह सकते हैं कि वो रिजेक्शन कर देगा और रिजेक्शन कर देगा तो फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा भी नहीं, इसलिए वैसा काम नहीं कीजिएगा। और अगर आपका किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया, अगर आप नंबर भरने में गलती कर दिए या कुछ भी गलती कर दिए तो आप एक बार मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बता दूंगा और आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाइएगा। फिलहाल मैं पटना यूनिवर्सिटी के इस अपडेट में इतना ही वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और जो भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में दिक्कत हो रहा है वो WPS सर्विसेज WhatsApp प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ जाइए या फिर भी अगर
अगर आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9065179925 आपको क्या करना है, आप अपना वॉइस मैसेज मतलब आप अपना प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सुन लूँगा जैसे ही टाइम मिलेगा, फिर मैं आपको रिटर्न आपको उस पर क्या कर दूंगा, आपका रिप्लाई कर दूंगा, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक्स अ लॉट।